अमित शाह ने कहा था कि वो खालिस्तान आंदोलन को बढ़ने नहीं देंगे। इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था। अगर ऐसा हुआ तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीते रोज ये सनसनीखेज दावा करा था खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह ने। फिलहाल अमृतपाल तो पिछले 5 महीने से सलाखों के पीछे दिन गिन रहा है, लेकिन खालिस्तानी विचारधारा अभी भी कुछ भारत विरोधी लोगों के जहन में पल रही है। नमस्कार, प्रियंक हूं मैं और आज आप वाकिफ होंगे खालिस्तान से जुड़े कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों से जो बेहद हैरतअंगेज और मार्मिक हैं। कहानी की शुरुआत होती है 29 दिसंबर 1929 से, जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस की इस मांग का 3 समूहों ने विरोध किया। पहला, मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग। दूसरा, भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह। तीसरा, मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। विरोध इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उस दौरान मोतीलाल नेहरू के खिलाफ तमाम अलग अलग शहरों में उग्र प्रदर्शन होने लगा। शिरोमणि अकाली दल वाले तारा सिंह ने ही सबसे पहले सिखों के लिए अलग राज्य की मांग कर दी थी। आजादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पंजाब भी जो है 2 हिस्सों में बंट गया। पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया तो दूसरा हिस्सा भारत के पास ही रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग और भी ज्यादा तेज कर दी और 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। अलग अलग शहरों में इस आंदोलन को भरपूर हवा दी गई और इसी आंदोलन की आड़ में पंजाब के युवाओं को अलग राज्य के लिए लगातार उकसाया गया, खासकर सिख समुदाय से जुड़े लोगों को। 1948 की शुरुआत में ही ये पंजाबी सूबा आंदोलन या कहें खालिस्तानी आंदोलन चरम पर आ चुका था। अलग राज्य को लेकर यह आंदोलन एक लंबी अवधि तक लगातार चलते रहे, पूरे 19 साल तक। आखिर 1966 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया और पंजाब को जो है वो 3 हिस्सों में बांट दिया। 3 हिस्से हो गए पंजाब के उस दौरान। पहला सिखों के लिए पंजाब, दूसरा हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा चंडीगढ़। अब सवाल ये उठना लाजमी है कि जब इंदिरा सरकार की ओर से सिखों की ये मांग उठ रही थी, जो वो अलग राज्य की मांग स्वीकार कर ली गई, तो फिर ये खालिस्तान आंदोलन कहां से आ गया? तो आपको बता दें कि ये खालिस्तान आंदोलन नया नहीं है। 1940 के कुछ दस्तावेजों में खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल है, मतलब 1940 से चला आ रहा ये खालिस्तान शब्द। खालिस्तान मतलब खालसाओं का देश। माना जाता है कि मार्च 1940 में वीर सिंह भट्टी ने पहली बार खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस वक्त कुछ टेम्पलेट छपवाए थे जिसमें सिखों के लिए अलग देश की मांग की गई थी। उन्होंने ये टेम्पलेट मुस्लिम लीग के लाहौर डिक्लेरेशन के जवाब में छपवाए थे। अब वापस उसी तारीख पर आते हैं जब सिखों के लिए इंदिरा सरकार की ओर से अलग राज्य मांग बनाने पर सहमति जताई गई थी। 1966 में अलग प्रदेश बनने पर कुछ वक्त के लिए शांति तो हो गई, लेकिन विरोध के स्वर जो है वो अंदर ही अंदर लगातार उठ रहे थे। अलग प्रदेश बनने के बाद 1969 में पंजाब के विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह भी खड़े हुए, लेकिन वो हार गए। चुनाव हारने के बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां से खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत कर दी। 1971 में उन्होंने खालिस्तान के समर्थन में न्यूयॉर्क टाइम में एक विज्ञापन भी दे डाला और सिखों के लिए नया देश बनाने को लेकर लोगों से फंडिंग की मांग करने लगे। 1977 में चौहान भारत लौटे और 1989 में वापस ब्रिटेन चले गए। वहां जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना कर दी। इसके बाद चौहान ने एक कैबिनेट बनाई और खुद रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का अपने आप को राष्ट्रपति घोषित भी कर दिया। उसने खालिस्तानी पासपोर्ट, स्टाम्प, यहां तक कि खालिस्तानी डॉलर भी जारी कर दिए वहां पे। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में खालिस्तानी अपनी एम्बेसी भी खोल दी और साल 1981 तक आते आते खालिस्तान के तार जो हैं वो अमेरिका तक पहुंच गए। एक्टिविस्ट गंगा सिंह ढिल्लो ने न्यूयॉर्क से खालिस्तान की मांग तेज कर दी और इसी दौरान भारत के पंजाब में बैठा जनरल सिंह भिंडरे वाला खालिस्तान समर्थकों की एक बड़ी टीम तैयार कर रहा था।
उसकी ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही थी। भिंडरा वाले अकालियों का करीबी था और निरंकारियों का एकदम कट्टर वाला दुश्मन। और 80 के दशक में भिंडरा वाले की ताकत बढ़ते ही खालिस्तान आंदोलन को अब तक का सबसे ज्यादा बल मिला। ये वो वक्त था जब पंजाब में हिंसक घटनाएं चरम पर थी। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक लाला जगत नारायण की हत्या, 1983 में पंजाब पुलिस के DIG SS अटवाल की गोली मारकर हत्या, ऐसी तमाम हत्याओं के पीछे भिंडरा वाले का ही हाथ बताया जाता रहा है। इसी बीच भिंडरा वाले ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया और वहीं पर अपना ठिकाना बना लिया और सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त पर अपने विचार रखने शुरू कर दिए। स्वर्ण मंदिर में रहकर ही भिंडरा वाले ने समूचे पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जल्द भिंडरे वाला बंदूक के दम पर अलग खालिस्तान बनाने की घोषणा करने ही वाला था। इस नाजायज आंदोलन और पंजाब में लगातार बढ़ते खून खराबे को रोकने के लिए अब भिंडरा वाले पर कड़ी और बेहद सख्त कार्रवाई जरूरी थी, उस पर नकेल कसना जरूरी था। भिंडरा वाले को स्वर्ण मंदिर से गिरफ्त में लेने के लिए आंध्रा सरकार ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की रणनीति बनाई। सैन्य कमांडर मेजर जनरल KS बराड की अगुवाई में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत कर दी गई। 1 जून 1984 सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों को पूरी तरह से रोक दिया गया, बस सेवाएं भी पूरी तरह से बंद, फोन कनेक्शन कट और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने को बोल दिया गया। 3 जून 1984 समूचे पंजाब में कर्फ्यू का ऐलान हुआ। 4 जून 1984 सेना ने तड़के सुबह से ही स्वर्ण मंदिर में गोलियां बरसानी शुरू की। अगले दिन बख्तर बंद गाड़ियां और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ। 6 जून 1984 ये वो तारीख है जब भिंडरे वाला को सेना ने मार गिराया। सरकारी आंकड़े जो कहते हैं उसके मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार में 83 सैनिक शहीद हुए थे और 249 घायल हुए। वहीं 493 चरमपंथी आम नागरिक मारे भी गए थे और 86 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर 1592 लोगों को वहां से गिरफ्तार भी किया गया। इस ऑपरेशन के 4 महीने ही बीते थे कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही दो सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। दोनों ने इंदिरा गांधी पर तड़ातड़ इतनी गोलियां बरसाई थी कि इंदिरा का शरीर शत विशत हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि अकेले दिल्ली में ही 2733 सिखों को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए थे। ऐसा भी आरोप लगातार लगता रहा है कि इन सिख विरोधी दंगों को कांग्रेस ने ही हवा दी थी। देश में सिखों के खिलाफ लगातार खराब होते माहौल के बीच जुलाई 1985 में लोंगोवाल और राजीव गांधी ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। लोंगोवाल उस दौरान सिख कम्युनिटी के मान्य नेता थे, लेकिन इस समझौते के बाद लोंगोवाल जैसे ही पंजाब लौटे कट्टरपंथियों ने उनकी भी हत्या कर दी और 1985 और 1990 तक पंजाब में उग्रवाद चरम पर पहुंच गया। खालिस्तान की मांग को लेकर लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा। कुछ अहम आतंकी गतिविधियों का जिक्र करें तो फिर 23 जून 1985 को कनाडा से लंदन आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले जनरल AS वैद्य की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इसका जिम्मा लिया। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को बम से उड़ा लिया CM बेअंत सिंह की कार के पास। इसमें CM बेअंत सिंह की भी मौत हो गई। 1995 के अंत तक वैसे तो देश के अंदर से चरमपंथियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया था शासन और प्रशासन की ओर से, लेकिन इसके अलग अलग नेटवर्क भारत छोड़कर देश के बाहर अपना ठिकाना बना चुके थे। साल 2007 में एक NRI कैब ड्राइवर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सिख फॉर जस्टिस संगठन बना लिया। इसको लेकर दावा किया गया कि यह संगठन सिख दंगा पीड़ितों को न्याय देने के लिए बनाया गया है। इसी के चलते भारत सरकार ने साल 2019 में इस संगठन को बैन कर दिया था। बैन होने के बावजूद साल 2022 में इसी संगठन ने खालिस्तान का एक नक्शा जारी किया जिसमें पंजाब के साथ साथ हिमाचल, हरियाणा, UP और राजस्थान के कई जिलों में भी खालिस्तान का हिस्सा बताया गया था। और अब कहा जाता है कि अमेरिका से गुरपतवंत सिंह पन्नू, लाहौर से लखबीर सिंह रोडे के साथ मिलकर भारत के पंजाब से अमृतपाल सिंह खालिस्तानी गतिविधियों को अंजाम देते हैं।
जिसका समूचा नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं। फिलहाल खालिस्तानी विचारधारा को लेकर आपका कीमती नजरिया क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही डिटेल्ड अपडेट्स के लिए टीवी 9 यूट्यूब चैनल की ओरिजिनल प्लेलिस्ट है, वहां जाएं और वहां के वीडियोस के साथ लगातार जुड़े रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।